और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर वरिष्ठ पत्रकार ललित झा ने कहा है कि अमेरिका भारत संबंध के लिए पीएम मोदी की आधिकारिक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच में प्रगाढ़ संबंध है, इसका एक नए आयाम की तरफ जाएगा। पहले से विजिट काफी डिफरेंस है क्योंकि ये एक ऑफिशियल स्टेट विजिट है। इससे पहले से भारत के तीन नेताओं को ये मौका मिला है और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ तीसरा स्टेट विजिट है। यहाँ आप जानते हैं वर्ल्ड के कई नेता इस स्टेट विजिट के लिए लाइन लगा कतार में रहते हैं, काफ़ी कंपटीशन है उसके लिए। उसके तहत देखते हुए कि इस जब यूक्रेन वॉर के बाद और कोविड-19 के बाद इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन के बावजूद भी प्रेजिडेंट बाइडन ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया स्पेशल विजिट स्टेट विजिट के लिए। उसके पीछे काफ़ी मायने हैं। वो पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जो लोकतांत्रिक देश हैं उसके बीच में कितनी प्रगाढ़ संबंध है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी रिश्तों को। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ललित झा ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा, स्वास्थ्य और स्पेस क्षेत्र के साथ अन्य कई क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्टशीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैनुफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पर काफ़ी कुछ डिलीवर होगा। आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजीज, उनसे भी काफ़ी कोऑपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं।